मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है खेल की दुनिया में। बच्चों, इस श्रृंखला के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहा कि आप सबको प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों के जीवन, उनके संघर्षों और उनके द्वारा स्थापित कीर्तिमानों के बारे में बताऊं। और मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि आप सब ने इन सारी जानकारियों को बहुत ही चाव से सुना और उनके जीवन से सीख लेने का भी प्रयास किया। अब बच्चों, इस श्रृंखला के अंतिम और तीसरे भाग में मैं और ऐसे 5 प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगी जिनको आपने अक्सर टेलीविजन पर, रेडियो में या अखबारों में देखा और सुना है। अपने साथ कोई भी नई जानकारी जोड़ने से पहले हमें अपनी पिछली जानकारी को एकदम मजबूत कर लेना चाहिए। तो बच्चों, मेरे साथ आप भी दोहराइए उन सभी खिलाड़ियों का संक्षिप्त परिचय जिनके बारे में हमने पिछले 2 भागों में एक दूसरे के साथ ढेर सारी चर्चा की। बच्चों, आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए एक बार दोहराते हैं उन विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों का परिचय जिनको हमने भाग 1 में जाना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद, भारत और विश्व की प्रमुख महिला मुक्केबाज मैरी कॉम, हमारे देश की उड़न परी पीटी उषा, और अंतिम में भाग 1 में हमने जाना हमारे देश के प्रमुख धावक मिल्खा सिंह जी के बारे में। तो चलिए अब एक बार दोहरा लेते हैं भाग 2 में जिन खिलाड़ियों के बारे में हमने चर्चा की थी। विश्व क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, बैडमिंटन में हमारे देश की शान साइना नेहवाल, 1983 के विश्व कप में हमारे देश की कप्तानी करने वाले कपिल देव, और महिला बैडमिंटन में हमारे देश की आन बान शान पीवी सिंधु, और बहुत ही जबरदस्त निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है इस पिछली जानकारी के साथ आप सब बिल्कुल तैयार हैं अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस भाग में 5 ऐसे भारतीय खेल सितारों के बारे में जो आज के समय में भी खेल जगत में अपना लोहा विश्व में मनवा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अपनी असाधारण उज्जवल व आक्रामक बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अगुवाई में हमारे देश ने 2007 ICC विश्व 2020 चैंपियनशिप जीतने का गौरव प्राप्त किया। साल 2011 में क्रिकेट विश्व ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने इन्हीं की अगुवाई में जीत हासिल की। तो बच्चों, ये भारत के ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी के अंतर्गत हमारे देश ने 100 मैचों से अधिक मैच जीते। महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तिगत एवं खेल जीवन को समेटे फिल्म MS धोनी तो आप सबने देखी भी है और आपको मुझे यकीन है कि ये बहुत पसंद भी आई होगी। चलिए बच्चों, अब हम तैयार हैं आगे एक और खेल और खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए। भारत के सफलतम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस। हमारे देश में टेनिस खेल को आम जन के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस खिलाड़ी को ही जाता है। इन्होंने हमारे देश के लिए कई सारे डबल्स और मिक्स डबल्स चैंपियनशिप्स जीती। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भी भारत को कांस्य पदक दिलाने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। भारतीय खेल जगत में सबसे ऊंचा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको 1996-97 में दिया गया। इस महान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले कई ऐसे पलों का हम सबको साक्षी बनाया जिनको भूलना नामुमकिन है। बच्चों,
मुझे ऐसा लगता है कि अगले खिलाड़ी का परिचय देने की मुझे आप सबको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। टेनिस की सनसनी सानिया मिर्जा। हैदराबाद की सानिया ने मात्र 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवा सकें। पर टेनिस खेल का जुनून सानिया के सर चढ़कर बोलता था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन का जूनियर डबल्स चैंपियनशिप खिताब उन्होंने अपने नाम किया। मात्र 18 साल की उम्र में वह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी थी। वर्ष 2006 में सानिया को पद्मश्री सम्मान दिया गया। और बच्चों, आपको मालूम है इस सम्मान को पाने वाली वह सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में बच्चों, चलिए जाने अपने देश की मशहूर जिमनास्ट दीपा कर्माकर के बारे में। त्रिपुरा की दीपा ने मात्र 6 साल की छोटी उम्र से ही जिमनास्टिक्स आरंभ कर दी। वर्ष 2016 के ओलंपिक में दीपा ने ही हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। और बच्चों, आपको मालूम है पिछले 52 वर्षों में ऐसा करने वाली वे प्रथम भारतीय जिमनास्ट हैं। मात्र कुछ अंकों के अंतर से ही वे ओलंपिक में पदक न प्राप्त कर सकी और चौथे स्थान पर रही। पर उनके जज्बे को सलाम करते हुए सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर ने कहा, जीतना और हारना खेल का हिस्सा है। आपने लाखों लोगों के दिल जीते और पूरे देश को आपकी इस उपलब्धि पे गर्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह हम पहुंच चुके हैं इस रोचक खेल श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर, और जहां हम जानेंगे अपने देश की माटी के लाल महान पहलवान सुशील कुमार के बारे में। जो सुशील कुमार एक जबरदस्त कुश्ती पहलवान हैं। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस खेल श्रृंखला के माध्यम से दी गई जानकारियों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और इन महान खिलाड़ियों के जीवन से सीख लेंगे। बच्चों, खेल जगत में अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास, अनुशासन और कड़ी मेहनत से हराने की, तो जीत हमारी ही हो।